हेलो गाइस, वेलकम। दिस इज महावीर एंड यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्निंग तक। इस वीडियो में हम हेल्पिंग वर्ब या उनको हम बोल सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब सीखने वाले हैं। हेल्पिंग वर्ब को मैं आपको टेंस के अकॉर्डिंग और टू डू, टू हैव, टू बी जो फॉर्म होती है उसके अकॉर्डिंग समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। ये वीडियो बेसिक इंग्लिश या जो बिगनर्स है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। टेंस के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब है उनको मैंने डिवाइड किया है, टेबल बनाई है, ठीक है। साथ में एग्जांपल भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, इनको हम कहते हैं, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करती है। हेल्पिंग वर्ब हमें सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बताने में, सेंटेंस का टाइम बताने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें टेंस की जानकारी देती है, साथ ही साथ हमें टाइम भी बताती है सेंटेंस में कि काम कब हुआ है, ठीक है, या कब होगा या कब हो चुका है। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब का रोल होता है सेंटेंस में हेल्प करने का। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ एक मैंने टेबल बनाई, इस टेबल में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस है और तीनों टेंस के जो फोर पार्ट्स होते हैं इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस के अलग अलग मैंने बॉक्स बना के हेल्पिंग वर्ब लिखी है, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, उसमें डू डज हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं, ठीक है। डू डज हेल्पिंग वर्ब का यूज आपको कब करना है? डू डज हेल्पिंग वर्ब का यूज आपको तब करना है जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का हो और वो नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव हो। जब आपको बोलना हो कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, अब नहीं पढ़ता हूँ तो ये सेंटेंस नेगेटिव है। जिस सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते है, आते हैं, वो कौन से टेंस के होते हैं? वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के होते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू डज हेल्पिंग वर्ब का आपको यूज करना होता है। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज कैसे करना होता है, यहाँ एग्जाम्पल में देखिए आप, आई डू नॉट वर्क, ये सेंटेंस देखिए नेगेटिव है, यहाँ पर क्या आया हुआ है? नॉट। तो इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया डू। अब यहाँ पर साथ ही साथ मैं आपको ये और बता दूं कि डू हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है आई के साथ में, ठीक है। तो डज का यूज कहाँ करना है? डज का यूज आपको थर्ड पर्सन जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में करना है। आपने सब्जेक्ट या फिर प्रोनाउन का वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देख लेना, उसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है कि कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और कौन से सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं, ठीक है। तो डज का यूज आपको करना होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ही, सी, इट, नेम, ठीक है, दिस, इनके साथ में हम किसका यूज करते हैं? डू डज का यूज करते हैं, ऑलराइट। इसके बाद देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज होगी, ठीक है, और आपको डू डज में से यूज करना है। ही के साथ में यहां मैंने डज का यूज किया, डज ही वर्क, क्या वह काम करता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो डज का यूज हुआ है। डू डज का यूज आपको इंटरोगेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस में करना होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डिड, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है सभी सब्जेक्ट के साथ में, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे आपका प्लूरल है। कब होता है? जब आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट टेंस का हो और वो या तो नेगेटिव हो या फिर वो इंटरोगेटिव हो, यही कंडीशन इसमें लागू होती है। अब यहां देखिए ही डिड नॉट स्पीक, यहां नोट आया हुआ सेंटेंस नेगेटिव है इसीलिए यहां डिड का यूज हुआ है। ही डिड नॉट स्पीक, वह नहीं बोलता था, ठीक है, वह नहीं बोलता था, ये पास्ट की बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिड यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते थे, ये भी पास्ट की बात कर रहे हैं। अब यहां पर क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए डिड का यूज हुआ है और डिड के बाद में फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इधर आपको ये ध्यान रखना है कि डू डज के बाद में भी फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, एससीएस का यूज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं फ्यूचर, विल सेल, विल सेल का प्रयोग होता है फ्यूचर टेंस के अंदर। जब हम बोलते हैं मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल, ठीक है, मैं पढ़ूंगा, आई विल स्टडी, ठीक है, मैं फोन करूंगा, आई विल कॉल, ठीक है, मैं वापस फोन करता हूँ, आई विल कॉल बैक, ऐसे हम विल सेल का यूज करते हैं फ्यूचर टेंस के अंदर, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस इज आरएम, इज आरएम का यूज हम करते हैं जब हम बोलते हैं
रहा है, रही है, रहे हैं सेंटेंस के एंड में, तब हम इज आर एम का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, यू आर लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख रहे हो, आप इंग्लिश सीख रहे हो, ठीक है। अब रहे हो रहा हो, इनके जब सेंटेंस एंड में ही आते हैं तो हमें इज आर एम का यूज करना होता है, ठीक है। एम का यूज आई के साथ होगा, आर का यूज प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ, इज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको करना है। नेक्स्ट है वॉज वर्ब, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं। देखिए यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ ही के साथ में वॉज का यूज हुआ है। अब यहां जब हम सेंटेंस में बोलते हैं ना, रहा था, रही थी, रहे थे, तब हमें किसका यूज करना है, वॉज वर्ब का यूज करना है। अब यहां देखिए, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, और इसमें रहा था, रही थी, रहे थे हिंदी के सेंटेंस के एंड में आएगा, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब आई हो तो आई के साथ आपको वॉज का यूज करना है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। फर्स्ट पर्सन जो आई सब्जेक्ट है उसके साथ में वॉज का यूज करना है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉज का यूज करना है, और बाकी के साथ में वर्ब का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विल सेल प्लस बी, ठीक है, मैं ये काम कर रहा होऊंगा, ठीक है, या कर रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, दे विल बी ईटिंग फूड, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, रास्ते में आप जहाँ जा रहे हो वहाँ के लोगों की बात कर रहे हो, तो आप कहोगे कि वे खाना खा रहे होंगे, दे विल बी ईटिंग फूड, वे खाना खा रहे होंगे, ऐसे हम बोलते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है, ठीक है। इसके बाद में है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, आई हैव डन माई जॉब, मैंने अपना काम कर लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ हैव का यूज हुआ है आई के साथ में, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ में हैव, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ में आपको हैज का यूज करना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, सी, इट, ठीक है, एनी नेम, उनके साथ में आपको क्या करना है, हैज का यूज करना है। फिर नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, सभी सब्जेक्ट के साथ में हैड का ही यूज करना होता है। ही हैड कॉल्ड मी, अब यहाँ पर हैड का यूज किया, देखो यहाँ मतलब है चुका है, चुकी है, चुके हैं, और यहाँ चुका था, चुकी थी, चुके थे। ही हैड कॉल्ड मी, वो फोन कर चुका था, वो मुझे फोन कर चुका था, ठीक है। अब यहाँ डिफरेंस भी आप हिंदी में बता रहा हूँ, साथ में जरूर ध्यान में रखना। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट, विल सेल हैव, विल सेल हैव, उसने ये काम कर लिया होगा, कर चुका होगा, ठीक है, ऐसे हम हिंदी में बोलते हैं, ही विल हैव स्लेप्ट, वो सो गया होगा, ठीक है। तो ऐसे सेंस में हम विल हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और उसमें टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम हैज हैव प्लस बीन का यूज करते हैं, ठीक है, वो सेंटेंस जिनमें हमें टाइम का पता हो, ठीक है, समय अवधि का, चाहे वो निश्चित चाहे अनिश्चित समय का हमें जब पता हो किसी काम के कंटिन्यू होने का, तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। देखिए, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years, मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। अब मेरे पास में यह ड्यूरेशन है, 5 साल की एक अवधि है, तो यहाँ पर हैव बीन का हमने यूज किया है, ये आप ध्यान रखना। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years, मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, से मतलब टाइम से, किसी समय अवधि से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो हैज बीन का, हैव बीन का यूज होगा। फिर उसके बाद में है had been, past perfect continuous, they had been fighting for many years, वे कई सालों से लड़ रहे थे, ठीक है, इसमें भी एक टाइम ड्यूरेशन का पता चल रहा है, से लड़ रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर had been का यूज हुआ, they had been fighting for many years। इस तरह से टेंस के अकॉर्डिंग यह हेल्पिंग वर्ब होती है। अब आपको बता दूँ, टू डू, टू हैव, टू बी फॉर्म भी में भी इनको बोला जाता है। टू डू फॉर्म में अगर बात करें तो डू, डज और डिड, ये तीन जो हेल्पिंग वर्ब है ये टू डू फॉर्म में आती है, ठीक है, इनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। यहां मैं लिख देता हूं V1, ठीक है। इसके बाद में टू हैव, टू हैव के अंदर हैज, हैव और हैड, इनके बाद में हमेशा ही थर्ड फॉर्म का यूज होता है। उसके बाद में टू बी, इज, आर, एम, वॉज, वर, इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या यूज करते हैं,
आईएनजी यूज करते हैं। मैं टेंस के अकॉर्डिंग आपको ये चीजें बता रहा हूं। अगर आप देखो तो इनको अगर हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करें तो इनके साथ में बींग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बींग, और जिसके अंदर क्या होगा? आईएनजी होगा, और इनमें बीन लग जाता है, बी डबल ई एन, बीन, ठीक है। और इस तरह से टू डू, टू हैव, टू बी फॉर्म होती है। अब यहां एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं तो डू डज डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। देखो डू के बाद में यहां फर्स्ट फॉर्म है, यहां भी फर्स्ट फॉर्म है, डिड के बाद में यहां स्पीक फर्स्ट फॉर्म है, डिड के बाद यहां स्टडी फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से डू डज डिड के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। हैज, हैव, हैड, इनके बाद में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो हैव देखिए यहां पर, ये डू की थर्ड फॉर्म डन का यूज हुआ है, हैड के बाद कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड का यूज हुआ है। इस तरह से हैज, हैव, हैड के बाद थर्ड फॉर्म का यूज, इज आर एम, वॉज वर्ब के बाद में आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। देखो आईएनजी यहां लगाया है, वॉज के बाद में यहां आईएनजी लगाया है, ठीक है। और टू बी फॉर्म है इसलिए यहां बी लगाया, देखिए आईएनजी का यूज हुआ है। इस तरह से ये जो फॉर्म होती है उनके साथ में कब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का आपको यूज करना, ये मैंने बताया। सेकंड फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड फॉर्म का यूज पूरी इंग्लिश के अंदर एक ही जगह होता है, और वो कहाँ होता है? वो होता है पास्ट सिंपल टेंस के सिंपल सेंटेंस में। जब पास्ट सिंपल जो टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है, उसके सिंपल सेंटेंस में ओनली सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। बाकी कहीं भी इंग्लिश ग्रामर में सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं होता है, ये बात आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थी आज के हमारे टॉपिक में हेल्पिंग वर्ब्स। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया है, तो लाइक कर देना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक आती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब